एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है ट्यूसडे और मुझे करनी है बहुत सारी पैकिंग। सीरियसली मेरे को बहुत सारा काम है, बहुत सारी तो नहीं क्योंकि एक तो मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता है। एक्चुअली मैं परसों है मेरा बर्थडे, मैं आप लोगों को याद दिलाती रहूँगी जब तक कि मेरा बर्थडे निकल नहीं जाता। उसके बाद ही बोलूँगी कि परसों था मेरा बर्थडे या कल था मेरा बर्थडे। तो परसों है मेरा बर्थडे और कल हम लोगों को अबाउट 11 या 12 o'clock यहाँ से निकलना है और कोई पैकिंग नहीं हुई है क्योंकि थोड़ा बहुत पैक करना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता है कि मुझे पैक क्या करना है। राजा ने मुझसे बोला है कि ठंडी जगह है, तो ठंडी जगह है और बाई कार हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग शिमला या कहीं इतना दूर जाएं क्योंकि यहाँ से बहुत दूर पड़ जाएगा। हम लोग MP में रहते हैं, मध्य प्रदेश में, तो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि सीरियसली इतना टाइम अगर लगेगा तो हम। और उन्हें ये भी बोला है कि रात में ट्रैवल करना बहुत डेंजरस है वहाँ पे। उन्होंने ये मुझसे बोला है कि रात में आप ट्रैवल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो डेंजरस एरिया है रात की ट्रैवलिंग के लिए। इसलिए उन्होंने मुझसे बोला है कि हम लोग को 11 या 12 इतने बजे निकलना है, तो रात को हम सब कुछ पैक करके रखेंगे कार के अंदर। कोशिश करती हूँ कि मैं इनके मुँह से कुछ तो निकलवा पाऊँ क्योंकि ये कुछ भी नहीं बोलने पर वो है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काम निपटाने, तो मुझे ना वैक्स ट्रिप लानी है, तो मैं अभी वैक्सिंग करूँगी। मेरी वैक्सिंग नहीं हुई है, होते होते नहीं हुई है क्योंकि उसके बाद हम लोग की 11 तारीख को हम लोग को निकलना है एक और ट्रिप के लिए, तो उसके बीच में भी टाइम नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कर लेती हूँ, और फिर वो 10 दिन की ट्रिप है तो उसके लिए मैं वीट की स्ट्रिप ला के रख लूँगी, फिर उससे कर लूँगी। तो मैं वैक्स ट्रिप लेने जा रही हूँ अभी। और ज़्यादा शेविंग बनवाने गए, अपना थोड़ा बहुत काम है वो कराने गए। तो मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं करके रखा है, तो मैं ऑल नेचुरल बाहर निकलने वाली हूँ आज। कभी कभी आपको ऑल नेचुरल भी निकलना चाहिए। तो मैं अभी कुछ अप्लाई नहीं कर रही, मैं एक लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो ये लिप बाम लगा हुआ है, ये है कलर एसेंस का नेचुरल आता है, एक ब्लू हेवन का नेचुरल आता है, ग्लैम 21 की नेचुरल लिपस्टिक, मतलब इन तीनों की नेचुरल लिपस्टिक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। सीरियसली बहुत अच्छी रहती है, पूरे दिन लगा के रखिए, एक बार अप्लाई करिए और जो आपके लिप्स है वो टेंटेड रहते, निकलते भी नहीं है एक बार लग गई तो। मैं एक लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये नेचुरल कलर है, ये थोड़ी सी न्यूड शेड है, तो ये अप्लाई कर रही हूँ मैं। और ना कुछ अप्लाई नहीं करूँगी, मैं भी राजा से बोले कि तुम्हें कुछ लगा लेना था। जब मुझे कभी कहीं ट्रैवल करना होता है मुझे पता है कि मुझे थोड़े दिन तक जो मेकअप है वो अप्लाई करके रखना पड़ेगा, तो मैं जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं उस ट्रिप को शुरू होने से पहले, और आप मैक्सिमम आपने मुझे देखा ही होगा कि मैं इतना मेकअप घर में जब तक कोई वीडियो ना हो या कोई मेकअप लुक ना हो तब तक मैं उसे यूज़ नहीं करती, मतलब करती नहीं हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी हेयर टाई कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ एक ईयरिंग पहन लेती हूँ ताकि बाहर जाते टाइम वो ना लगे। मैं बाल बांध रही हूँ, मैं थोड़े से बाल जो थोड़े से बाल मंगू आगे मंगू बता दो। टोपा दिला के ला रहा हूँ मैं क्योंकि ठंड लग जाएगी तुम्हें, अब पता नहीं बर्फ आ नहीं जाएगा, बर्फ पड़ जाएगा। बताना कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों बताऊं, पॉसिबल नहीं है शिमला, यहाँ से कैसे पहुँच जाएंगे? मैप चालू कर लूंगी, कहीं ना कहीं तो लोकेट करेगा मैप। नाडा नहीं करना है, नाडा नहीं चलने का, नहीं मैं मैप, मैं मैप लोकेट करूंगी, करने ही नहीं दूंगा। मैप लोकेट होता होगा बिना जगह डाले शायद, देखते हैं। मैंने कभी हमेशा जगह डाल के मैप लोकेट किया गूगल, पता नहीं। तो सामान हम लोग ले आए हैं और हम लोग को सुबह निकलना है, तो बोजो को हम लोग कल सुबह छोड़ेंगे, गूगल को अभी छोड़ रहे हैं, तो रात ही हो गई, काफी टाइम हो गया है। तो एक्चुअली में क्या है, दोनों को एक साथ छोड़ना मुश्किल है, और आपको बताती हूँ क्यों मुश्किल दोनों है। एक साथ छोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है, क्योंकि क्या होता है हम एक को पहले छोड़ते हैं एक को बाद में छोड़ते हैं। कभी कभी गूगल को वोजो को पहले छोड़ते हैं, गूगल को लेट छोड़ते हैं, सीट पे हम लोग उसे पीछे रखते थे और वो कार की सीट पे टॉयलेट कर चुका है, इसलिए एक को गोदी में रखना एक को वहाँ रखना फिर सामान हो जाएगा। और सुबह हम लोग को जल्दी निकलना है, किसी भी कारण से हमें लेट नहीं होना है क्योंकि बाई कार जा रहे हैं। सर बता दो यार जगह, यार आधे घंटे का रास्ता है। हाय, तो क्या यार ये तैयारी क्यों करा रहे हो? मुझे अपनी एक वेकेशन पता है जिसके लिए मैंने बाल कलर कराए हैं, ठीक है, ये वेकेशन नहीं पता है कहीं। और मैं आपको सामान दिखाती हूँ, मेरे को सामान भी लेके आएंगे। आवाज़ कहाँ से आ रही है? आई थिंक मैं पीछे सबसे है ना। अरे 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 राम, अरे गूगू हॉस्टल आया गूगू।
गुगा गुगा की हॉस्टल आई है। चल रहे चल रहे। आ तुमको इसको बड़ा मजा आता है। इसे गुगा का फेवरेट टाइम है हॉस्टल। उसके साथ बहुत सारे इसके बडीज रहते हैं। और तो ये डॉग हॉस्टल, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है। डॉग का स्पा भी, डॉग का स्पा भी बन रहा है। डॉग ही बोला था आई थिंक मैंने। पूरा हॉस्टल है और बोजो नीचे रहता है क्योंकि बोजो को लोग चाहिए। गूगल ऊपर रह लेता है क्योंकि गूगल बहुत इजीली जो अदर डॉग्स उनसे मिल जाता है। गूगल को इंसान चाहिए तो गूगल इसलिए नीचे रहता है, सबसे नीचे सबके साथ। बोजो अकेले नहीं रहता है। तो गूगल गया है ऊपर वाली बिल्डिंग में। तो वहाँ पे टोटल 10 डॉग्स हैं। तो 3 है जगह और वहाँ पे टोटल 10 डॉग्स हैं। कोई छोटा डॉग नहीं है। तो इन लोग के कैबिन्स बने रहते हैं, अच्छे अच्छे कैबिन्स हैं। बट मुझे ना बहुत ज़्यादा स्मेली लगता है वो एरिया। तो जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग आ जाती है। मतलब बहुत सारी डॉग्स से स्मेल आती है। आप अगर कभी हॉस्टल में एंटर करेंगे ना तो वो चाहे कितना कुछ डाल लें या कुछ भी डाल लें पर स्मेल जो है वो नहीं जाती है। तो आप कर रहे हैं पैकिंग। ये है मेरा कैमरे का पाउच। तो ये कैमरा है, ये कैमरा, इसकी बैटरी चार्जिंग पे लगा के रखी है मैंने। तो मेरे पास 2 ब्लॉगिंग कैमरे हैं। ये है कैनन G7X। तो एक मेरा, आपको याद है मेरे पास साउंड का इफेक्ट हुआ था, कुछ गड़बड़ हुई थी, मेरा ये कैमरा ख़राब हुआ था पिछले साल दिसंबर में। जब मैं ये वाला साल जो गया वो नहीं, उससे पिछले साल जब मैं इंदौर गई थी और तब वहाँ पे भी नहीं मिला था। फिर उसके बाद इसे ऑर्डर कराया था और एक को ठीक कराया था मैं। तो ये जिसको ठीक कराया था वो है ये नया मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, ठीक वाला, क्योंकि ये इसमें वारंटी है, इसमें कुछ भी होता है इसकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है। DSLR मांग रहे हैं। DSLR जो है ये मैं अपनी मेकअप वीडियोस की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसका सबसे पहले तो बैटरी चार्जर निकालो और बैटरी चार्ज करो। तो ये रहा, इसमें 2 लेंस, एक जूम इन जूम आउट वाले 2 लेंस इसमें रखे हुए हैं। तो राजा कह रहे हैं राजा ये बैग नहीं चलते क्योंकि इसमें सारा सामान आ जाएगा, वो हमें बेवकूफ समझे। बेशक तुम मेरे को पास लेके जा रहे हो तो वो जरूर बेवकूफ समझेगा, तुम आधे घंटे के लिए मुझसे इतना बड़ा सूटकेस पैक करा रहे हो। जो भी है तुम बताओ, बता दो। अब मेरे को सच में पता है जैसे कंट्रोल करने की बात आती है ना, वो कंट्रोलिंग पावर जा रहा है मेरा। जो मेरी जीन्सें हैं वो अभी तक नहीं सूखी हैं, तो मैं सुबह तक का वेट करूंगी उनके लिए। बट दिखाती हूँ आपको एक चीज, मैं ये जीन्स लेके आई हूँ। तो ये हाई वेस्ट जीन्स मैं लेके आ गई, मैं टैग भी लगा हुआ है। तो मैं लेके आ गई क्योंकि मुझे जीन्स खरीदनी भी थी और मेरी 2 सूखी भी नहीं थी। तो एक ग्रे कलर लाई हूँ, ये फेडेड है, यहाँ से डिजाइन है थोड़ा सा, मतलब रिफ्ट फॉर्म है बट रिफ्ट नहीं है एक्चुअली में। उसके बाद फिर मैं एक और जीन्स लेके आई हूँ, ये ब्लू में है, ये मुझे अच्छी लग रही थी। तो ये जैगिन पैटर्न में है और ये बटन है, पर इसका जो पैटर्न है ना वो अलग है। देखिए पैटर्न अलग है, इसमें जिप नहीं है, तो थोड़ा सा अलग है। जैगिन पैटर्न आता है ना वो है, बट जैगिन पूरी क्लोज होती है, इसमें बटन है जीन्स टाइप। तो ये भी हाई वेस्ट लाई हूँ, 32 नंबर। मैंने एक भी जीन्स ट्राई नहीं करी है और मैं नहीं करने वाली हूँ ट्राई। एक फिर मैं ये वाला कलर लेके आई, मुझे ये फेडेड चाहिए थी, मेरी जो ऐसी जीन्स है वो खराब हो गई थी। ये भी हाई वेस्ट है, इसमें है 4 बटन्स। तो मैं इतनी जीन्स वो करूँगी क्या। ये टोपा लेके आई मैं और ये 2 ग्लव्स लेके आई, इन्हें बोला ठंड है वहाँ पे बहुत, तो अब पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये 2 ग्लव्स लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं ये मुझे बता देते बट मेरा बर्थडे है इसीलिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बर्थडे पे कह रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत कुछ तो सरप्राइज रखो, तो इसलिए मैं इनका सरप्राइज स्पॉइल नहीं करना चाह रही हूँ। मेरे सूटकेस भर दिया। हद हो गई। मेरी पैकिंग हो गई है, मैंने रख लिया है सब कुछ। अब मेरा जो मेन पैकिंग रहती है वो रहती है मेकअप की पैकिंग और थोड़ी बहुत ज्वेलरी, ज्यादा नहीं, थोड़ी मैचिंग की रखनी है मुझे। राजा की जीन से बची हैं और जैकेट साथ तुम्हें रख दी, जैकेट और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। तो चलिए मेरा मेकअप बॉक्स, ये है बैग, ये परमानेंट बैग है मेरा, आज थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हो गई हैं। तो मैं क्या रख रही हूँ ये बता रही हूँ आपको। तो ये जो है ये 2-in-1 है, इसमें आईब्रो फिलिंग के लिए, ये ग्रे कलर है ये, और आईब्रो को कॉम करने के लिए, लाइक फिक्स करने के लिए, वो मेरे पर्स से निकला हुआ कचरा है। उसके बाद मैंने ये एक मेकअप पफ रखा है, फिर मैंने एक ये जैसे आईज को स्मोक करना है तो उसके लिए रखा हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ फटाफट कि जब मैं
ट्रैवल करती हूँ तो मैं क्या रखती हूँ अपने पास, तो और फिर मैंने रखी अपनी ये फेवरेट फाउंडेशन, और ये है मेबेलिन फिट मी। फिर मैंने एक आईलैश ग्लू रखा है इनकेस अगर मुझे आईलैशेस लगानी हो। फिर मैंने हाइपर कर्ल मस्कारा मेबेलिन, देन ये है आईलैश कर्लर। फिर एक ही रख रही हूँ मैं ब्लैक कलर का, ये क्या बोलते इसे, क्या बोलते हैं, आईलाइनर। फिर मैंने एक लिपस्टिक रखी है, ये थोड़ा डिफरेंट कलर मेरे को लग रहा है, नहीं लेके जा रही मैं, हाँ इसको अलग कर दिया मैंने। फिर मैंने ये रेड लिपस्टिक रखी है। फिर मैंने ये एक, यार ये गलत है क्या, नहीं सही है। उसके बाद फिर मैंने ये एक कॉन्टोर स्टिक रखी है। फिर ये आई लैशेस जो है ये मैं इसमें डाल दूंगी या पर्स में रख लूंगी। फिर मैंने ये पैलेट रखी है, इसमें मैक्सिमम जो रेड की टोन्स हैं वो हैं, तो रात के मेकअप के लिए मेरा बर्थडे है। फिर ये NYX का प्राइमर रखा है, ये कंसीलर रखा है मेबेलिन का, शेड है मीडियम। दो पिंस रखी हैं आई लैश फिक्स करने के लिए, ये रखा है। और काजल, काजल का शार्पनर, ये पैलेट जो है ये भी रखी है। इसमें मुझे ब्लैक कलर चाहिए होगा इनकेस स्मोकिंग, स्मोकीनेस के लिए, तो इसमें ब्लैक कलर मिल जाएगा मुझे। और साथ में इसमें ब्लश भी है, तो मुझे ब्लश के लिए कुछ एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है ये। उसके बाद मैंने एक पाउडर रखा है कॉम्पैक्ट। उसके बाद ये मेरा बेबी लिप्स, फिर ये एक हेयर टाई, और ये है मेरा क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, ये मेरा मॉइस्चराइजर। तो इतना सामान रख दिया है, ये आ नहीं पा रहा है पूरा। मेरे ख्याल से मैं बड़ा वाला मेकअप बॉक्स बैग लेके जाती हूँ, पर अभी ठीक है। तो ये आई लैशेस भी रखी है मैंने, इसमें थिन लैशेस रखी है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर नहीं जाना चाहती हूँ बर्थडे के दिन। ये लैशेस का बहुत सारे लैशेस है इसमें, और उप्स ये मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है, और एक ये है। लिपस्टिक जो है वो मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ, तो ये भी मैं अपने पर्स में रख रही हूँ। मॉइस्चराइजर, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे और ये कॉन्टोर पैलेट पर्स के अंदर जाती हैं। और यहाँ पे मैंने और तीन लिपस्टिक रखी है, ये एक मिरर भी रखा है जो राजा लेके आ गए थे, जो गलती से आ गया था, जिसको हम ओवर प्राइस रेट में दिया गया है जो। और ये तीन लिपस्टिक मैंने रखी है, ये दो हैं, ये एक रेड की अलग शेड है, ये एक रेड की बहुत ही प्यारी शेड है जो सबको बहुत पसंद आती है जब मैं लगाती हूँ। उसके बाद एक मैंने ये पिंक शेड रखी है, ये तो तीन लिपस्टिक मैंने पर्स में रख ली। तो ये मेरा मेकअप बॉक्स, मेकअप बैग हो गया है तैयार, मेकअप बैग चला गया। और ये जो है ये डियो का मैंने पूरा एज अ पर्स डाल लिया है, कि सेपरेट कौन रखे, ये छोटे छोटे जो रहते हैं वो यूज़ में होते हैं। तो चलिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने, हम लोग चलते हैं खाना बनाने, क्योंकि अब बस राजा की पैकिंग है वो मैं अभी आके देखती हूँ। सोचिए दो दिन की ट्रिप के लिए, मैं एक दिन जाऊँ या मैं दो दिन जाऊँ, मैं पता नहीं क्यों बहुत सारा सामान लेके जाती हूँ। मेरी हैबिट में है ये कि मैं अगर दो दिन के लिए भी जा रही हूँ तो मेरा पूरा बैग भर जाएगा, या मेकअप का जो वो है वो भर जाएगा। ज्वेलरी बची हुई है जो कि मैं बहुत ही रेयर रखूँगी, एक दो डब्बे डालूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए आपको लग रहा होगा सो के उठी हूँ, तो कल मैंने खाना बनाया, आलू प्याज की सब्जी और रोटी सेकी मैंने, और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मैं सो गई। और जितनी पैकिंग हुई थी उतनी पैकिंग करके मैं सोई। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो जब हॉस्टल पर आएगी तो हम लोग उठ के जो काम है वो करेंगे। तो राजा की मैंने जीन्स धोई थी, वो नहीं सूखी एट लास्ट। और एक स्लॉट रखा था उनका जीन्स का, पहले का धुला हुआ, जिसमें दो जीन्स जो थी वो धुली हुई थी, सॉरी सूखी हुई थी। तो वो प्रेस कराने गए हैं और उन्हें एक दो कपड़े और प्रेस कराने दे रहे थे, तो वो प्रेस करा के हाथ के हाथ ही लेके आ रहे। और थोड़ा बहुत जो खाने पीने का सामान है, क्योंकि हम बाई कार जा रहे हैं तो आज ही जा रहे हैं हम लोग, तो वो भी थोड़ा बहुत लेने गए, क्योंकि कुछ भी स्नैक्स वगैरह बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं पर कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है, तो वो भी वो कुछ कुछ करने गए हैं। और नाश्ता जो है हम लोग बाहर ही करेंगे, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि वो वेस्ट की इतना टाइम नहीं है कि वो अभी नाश्ता बनाने में कहीं निकल जाए, कहीं उसमें निकल जाए। राजन ने मुझसे बोला है कि
मैं आऊँ तो तुम तैयार हो जाना या पैकिंग पूरी करके रखना। तो जितना मैंने छोड़ा था उतने पे ऐसे पूरी पैकिंग। अब फटाफट मैं कर रही हूँ पैक सामान। तो देखिए ये मैंने आई थिंक लास्ट ही छोड़ा था, ये वाला थोड़ा सा फैला हुआ दिख रहा होगा आपको भी। या तो ये है राजा की टी शर्ट्स जो एक्स्ट्रा में मैं रखी रही हूँ। और मैंने सारे कपड़े जो थे ना वो रात में यहाँ उठा के रख दिए थे कि काम जब मुझे सुबह लगाने होंगे ना कपड़े तो मैं फटाफट कपड़े आके लगा लूंगी। तो मैं जल्दी से पैक कर रही हूँ उनके कपड़े और ये सूटकेस जो है पैक करके बंद कर रही हूँ। इट्स डन, हो गया है डन। अब मैं फटाफट जो ज्वेलरी है वो भी रख लेती हूँ। तो इयररिंग भी मैं रख रही हूँ ये, इसमें बहुत सारे पेयर हैं और गोल्ड वाली भी है जो मैं पहनती हूँ तो बेस्ट नहीं है तो ये रख रही हूँ मैं। एक रेड मैंने टेसल इयररिंग रख ली है एक्स्ट्रा। आई थिंक आई एम डन, आई थिंक मैं डन हो गई हूँ। मैंने आपको ज्वेलरी दिखा दी थी, फेक लैशेज मैंने हल्की वाली ही रखी है। आई थिंक आई एम डन, आई थिंक सो। देखती हूँ पता नहीं क्या है क्या नहीं बचा हुआ है, थोड़ा बहुत सामान है। और मैं अब जा रही हूँ एक शार लेने और जाके मैं होंगी तैयार। मैं सोच रही हूँ कुछ बचा तो नहीं। ओके हाँ, मेरा बॉडी मॉइस्चराइजर बचा हुआ है। काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है यहाँ से, हल्की सी धूप भी है वो निकल गई है। और यहाँ मेरी जैकेट रखी हुई है मुझे पहन के जानी है। और आपको पता है मेरी खुद की जींस नहीं सूखी है और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ अभी, क्योंकि आप सोचेंगे मेरे पास सिर्फ दो ही जीन्स हैं तो मेरी फेवरेट दो ही हैं और बाकी जीन्स हैं पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मेरी फेवरेट फिटिंग कहते हैं ना आपको, एक फिटिंग होती है जीन्सों की भी, तो वो जीन्स की फिटिंग जब फिटिंग होती है ना आपकी चीज़ों की कुछ अलग, तो गेटअप बहुत अलग आता है। तो मेरे पास ना वैसे ही सिर्फ दो ही जीन्स हैं जिनकी फिटिंग बहुत अच्छी थी और वो दोनों ही नहीं सूखी हैं। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि मैं अपने लिए तीन नई जीन्स ले आई, जिनमें से एक मैं पहन के जा रही हूँ, एक मैं लेके जा रही हूँ और राजा की भी एक रख के लेके जा रही हूँ। बैग बहुत ज़्यादा भरा हुआ आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने ठंड है तो एक्स्ट्रा सामान रख लिया है, क्योंकि हम लोगों को कार में जाना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कार ही में तो ज़्यादा सामान लेके चलना था। तो जो चीज़ें हैं मैंने रख ली है कि ठंड लगेगी या कुछ लगेगी तो मफलर रख लिया मैंने। पोचू जो है वो मैं सोच रही हूँ कि पहन के जाऊँ या लेके चली जाऊँ। जैकेट मैं सोच रही हूँ लेके चली जाऊँ। तो थोड़ा बहुत सामान है जो मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है क्योंकि ठंड हो रही है। अब यहाँ पे ना कल से बारिश हुई है और बारिश के कारण कपड़े सूखे और ठंड भी जो है वो बढ़ गई है, तो इसलिए मेरे को लगा यार सामान जो है वो रख के ले जाते हैं अब, क्योंकि इनके हिसाब से वो जगह भी ठंडी है। क्योंकि इन्होंने मुझे स्पेशली हैंड ग्लव्स और कान के लिए जो पहनते हैं वो दिलवाया, टोपा जो कि हम यहाँ पे भी नहीं पहनते क्योंकि मैक्सिमम कार में जाते हैं और ऐसे जाते नहीं है जैसे कि खुले हवा में घूमती नहीं है ऐसे, तो वो भी दिलवाया। मतलब कोई ना कोई जगह ऐसी है जो थोड़ी ठंडी। तो गाइज मेरा जो आज का ब्लॉग है ना वो थोड़ा पैकिंग वैकिंग वाला ही था और गूगल को हमने कल ही छोड़ दिया था, बोलो को हम छोड़ रहे हैं। तो 6-7 घंटे का ही फर्क है इनको छोड़ने में, कि कुछ लोग बोल देंगे कि यार आपने पहले इसको छोड़ा बाद में इसको छोड़ा, प्यार में डिफरेंस, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल जो है वो पीछे टॉयलेट करता है और उसे हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, कि इन दोनों को एक साथ नहीं छोड़ सकते। अगर एक साथ छोड़ेंगे ना तो एक को इस साइड रखेंगे तो एक इधर से उचकेगा, तो थोड़ा सा जो सीन है वो अजीब सा हो जाता है। और फिर बैग्स और सब कुछ था तो गूगल को सो बोजो को हम लोग जब खुद निकलेंगे ना यहाँ से तो अपने साथ लेते हुए निकलेंगे, उस बीच में फिर हम जाके गूगल से ही मिलाएंगे बोजो को ले जाते गए। और बस हाँ दैट से कितना सब कुछ करना है, तो ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं है। हाँ पर अब आने वाली ट्रिप ज़्यादा लंबी होने वाली है। सो गाइस चलिए मैं चाय पी रही हूँ, राजा आगे वो फिर लड़ने लगेंगे मुझसे। मैं जा रही हूँ तैयार होने, मैं समझती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग। तब तक ये बाय, लव यू और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कल की ब्लॉग का वेट करिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वेट है फिलहाल अभी आने वाले टाइम का। बाय।